न दिगर बिलो सोज द प्रोग्रेस ही मेड सो फार देखिएल्शियम है कैल्शियम बच्चों जो होता है उसका एटोमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन बनेगा टू एट एट टू तो ये कितना हो गया ट्वेंटी पे होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ये हो गया इसका मतलब इसके पास दो इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा होते हैं अभी यहाँ देखिए इसके पास मोस्ट सेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बचा है जबकि क्लोरीन में मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन कम होता है और इसकी सेल कंप्लीट हो गई है इसका मतलब इसके पास जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था वो इसने इसको दे चुका है अब वो कह रहे हैं वोट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप इन हिज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द आयनिक बॉन्ड इसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा एक क्लोरीन के साथ और बॉन्ड बनाना पड़ेगा तो एक क्लोरीन को और लेके आना पड़ेगा तो ये चीज देख लेते हैं कहाँ पर उसने दी हुई है फर्स्ट ऑप्शन में ट्रांसफर एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कैल्शियम एटम टू क्लोरीन ये ऑलरेडी फुल हो चुकी है इसके ऑटोमोसेल तो ये नहीं ले सकता तो इसको हटा देते हैं ट्रांसफर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द क्लोरीन एटम टू द कैल्शियम वो तो पॉसिबल ही नहीं है एड अनदर क्लोरीन एटम टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कैल्शियम एटम यस तो हमें एक और क्लोरीन को यहाँ लाना पड़ेगा ताकि वो अपना इलेक्ट्रॉन उसको डोनेट करके ये ऑक्टेट को कम्प्लीट कर पाए और वो भी ऑक्टेट को कम्प्लीट कर दे इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स टू इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन है अब हमारे पास क्या है इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड अब इलेक्ट्रोवैलिन कंपाउंड सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते क्योंकि वहाँ जो आयंस का मूवमेंट है वो पॉसिबल नहीं है बिकॉज उनका बहुत एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है लेकिन ये जो कंपाउंड्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी है मोल्टन स्टेट में कंडक्ट कर सकते हैं अब मोल्टन स्टेट में क्या होता है बच्चों कि एक्वे सोल्यूशन जब बनेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो वीक बन जाए हो जाएगा उन सबके बीच में देअ फोर वो जो आयंस है मूव कर सकते हैं फ्रीली और कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी तो ये बात जहाँ भी दे रखी है वो देख लेते हैं कबूर्स ने कहा है कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओनली इन सॉलिड फॉर्म पॉसिबल नहीं है बोर्थ इन सॉलिड फॉर्म अभी मैंने रीजन बताया सॉलिड फॉर्म में क्यों नहीं होगा सी बोथ इन एक्वे सोल्यूशन एंड इन मोल मोल्टन स्टेट इन दोनों फॉर्म में ये पॉसिबल है जबकि डी ऑप्शन में भी कहा इन सॉलिड फॉर्म जो कि पॉसिबल नहीं है द ऑप्शन ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर